हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं क्लास टेंथ का मैथ एक्सरसाइज 8.4 प्रूव करने वाले सवाल, जिसका मैं आज आपको पार्ट टू कराऊंगा। मैंने पार्ट वन अपलोड कर दिया है, वीडियो जरूर देखना उसका, ठीक है। तो पार्ट टू में क्या है, ये सवाल है कोस अपॉन में वन प्लस में साइन ए प्लस वन प्लस में साइन ए अपॉन में कोस ए इक्वल टू सेकेंड ए, हमको सिद्ध करना है, ये चीज़ हमें प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना होता है, लेफ्ट हैंड साइड लेना होता है। तो लिखेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड कोस ए अपॉन वन प्लस साइन ए प्लस वन प्लस साइन ए बाई में कोस ए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका ले लेंगे एलसीएम, ठीक है। तो एलसीएम लेने पर क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा कोस ए मल्टीप्लाई वन प्लस साइन ए, इसका एलसीएम आ जाएगा। अगर मैं इसको इससे डिवाइड करने जाऊँ तो वन प्लस में साइन ए से वन प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा, कोस ए बच जाएगा। तो कोस ए की मल्टीप्लाई कोस ए से करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए हो जाएगा, समझ में आया। सेम इसी प्रकार से इसको मैं इससे डिवाइड करूँगा तो ये रूल कोस कोस काट देगा, तो वन प्लस में साइन ए रह जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई के साथ करूँगा तो वन प्लस में साइन ए का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, समझ में आया। आगे चलते हैं, अब यहाँ पर ये है कोस स्क्वायर ए, क्या है कोस स्क्वायर ए। अब ये फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो उसको लिख देते हैं a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab होता है, ठीक है। तो लिखते हैं 1 का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर क्या है, साइन। तो साइन स्क्वायर a प्लस 2 मल्टीप्लाई a की जगह पे 1, b की जगह पे साइन a, बाय में क्या आएगा, बटा में क्या आएगा, बटा में आएगा कोस a मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन a। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे लिखेंगे कोस स्क्वायर ए प्लस वन का स्क्वायर वन प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस में टू साइन ए, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा अपॉन में क्या होगा, कोस ए मल्टीप्लाई वन प्लस साइन ए। अब देखना ये है कि कोस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए मिलकर क्या बनाते हैं, एक बनाते हैं, सूत्र है क्योंकि फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है। लिख देते हैं एक, प्लस में ये वाला एक लिख देते हैं, प्लस में टू साइन ए, बटे में क्या रहेगा कोस ए, एक प्लस में साइन ए। एक और एक क्या होता है, दो, दो लिख दिया, प्लस में दो साइन ए बटे में कोस ए वन प्लस साइन ए हो गया। अगर हम देखें कि यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, तो यहाँ से दो कॉमन आ रहा है, तो दो कॉमन लिखेंगे, यहाँ पे बचेगा क्या, एक प्लस में साइन ए, जब दो कॉमन ले लिए तो यहाँ पे एक बच जाएगा, तो यहाँ पर रहेगा कोस ए वन प्लस में साइन ए। अब वन प्लस में साइन ए यहाँ भी है, वन प्लस में साइन ए यहाँ भी है, तो इसको क्या करेंगे, काट देंगे, तो क्या बचेगा, दो बटे में कोस ए, दो को लिखूंगा मैं साइड में, और एक बटे में यहाँ पे कुछ नहीं है तो वन लगाएंगे, वन बाई में कोस ए किसके बराबर होता है, सेकेंड के बराबर होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे सेकेंड ए। और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका हो चुका है पूरा।